तो चलिए आज हम सीखेंगे सीढ़ी का कनेक्शन करना। अगर आप सीढ़ी का कनेक्शन करना चाह रहे हैं तो बड़ी आसानी से इस सीढ़ी का कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, अगर ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आप एक नहीं पांच तरीके से आप सीढ़ी का कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से अगर किसी एक को भी आप कर लेंगे तो उससे आपका सीढ़ी का कनेक्शन हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे सीढ़ी कनेक्शन में ना, सीढ़ी कनेक्शन में जो स्विच होती है, देखिए ये सीढ़ी कनेक्शन में जो स्विच होती है ना, वो उसका नाम होता है टू वे स्विच होती है। इस पे ये टू वे स्विच होती है ना, इसमें तार जोड़ने के लिए तीन पॉइंट बने होते हैं। देखिए इसमें तार जोड़ने के लिए तीन पॉइंट बने होते हैं, एक ए है। देखिए इसमें तार जोड़ने के लिए तीन पॉइंट बने होते हैं। हम क्या करते हैं, बीच में फेस को इन कराते हैं और दो से आउट करवा लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप सीढ़ी का कनेक्शन करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, बड़ी आसानी से आप अपने घर में सीढ़ी का कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारा न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल को क्या करेंगे कि जो अपना ये टू वे स्विच है ना, तो एक क्या लग, एक जो रहेगी सीढ़ी के नीचे रहेगी, यानी नीचे की तरफ रहेगी, एक छत की तरफ यानी कि ऊपर रहेगी, ठीक है। एक सीढ़ी के नीचे रहेगी और एक क्या रहेगी, छत के ऊपर रहेगी। तो और बीच में क्या लगाया रहेगा, ये देखिए ये बीच में बल्ब है ना, एक ही बल्ब को हम क्या करेंगे, दो जगह से ऑन ऑफ करेंगे। इस कनेक्शन से आप क्या करेंगे कि दो स्विचों से एक ही बल्ब को, मतलब दो स्विच से आप जब चाहे इसको नीचे से ही ऑन ऑफ कर देंगे और जब चाहे ऊपर से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें कैसे इसका कनेक्शन करेंगे, न्यूट्रल के वायर को लेकर जाएंगे, न्यूट्रल के वायर को ये जो अपनी टू वे स्विच लगी रहेगी ना, उसके ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। इसी से आउट करवा कर आगे लेकर जाएंगे और आगे लेकर जाएंगे ना, तो जो ऊपर टू वे स्विच लगी रहेगी ना, उसके ऊपर वाले में जोड़ देंगे, ठीक है। और इसके बाद न्यूट्रल तो हमने दे दिया ना, हमने क्या किया, न्यूट्रल के वायर को लेकर गए और जो टू वे स्विच लगी थी उसके ऊपर वाले पॉइंट में दे दिए। आगे उसी पॉइंट से आउट करवा कर जो ऊपर स्विच लगी थी टू वे, उसके ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ दिए। अब यहाँ से देखिए फेस के वायर को लेकर जाएंगे, यहाँ से फेस के वायर को लेकर जाएंगे ना, तो जो टू वे स्विच लगी रहेगी उसके नीचे वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। इसमें तार जोड़ने के लिए तीन पॉइंट बने होते हैं ना, तो हम न्यूट्रल और फेस दोनों ऊपर और नीचे देते हैं। देखिए पहला नियम में, अगर पहला नियम में आप देख रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे कि फेस को क्या करेंगे, न्यूट्रल और फेस को स्विचों के नीचे और ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। तो देखिए हम क्या करें, फेस के वायर को लेकर जा रहे हैं ना, टू वे स्विच के निचले पॉइंट में इन करवा देंगे और यहां से आउट करवा कर लेकर जाएंगे और जो ऊपर जो टू वे स्विच लगी रहेगी ना, उसके बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर जोड़ दिया हमने ना, अब क्या करेंगे, देखिए हमारे बल्ब लगा है ना, बल्ब से दो तार आते हैं, इस बल्ब से दो तार आते हैं ना, इसको भी चलने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों की आवश्यकता होती है। किसी भी उपकरण को चलने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों की आवश्यकता होती है। तो हमारे जो उपकरण रहते हैं ना, सभी उपकरणों से दो तार आते हैं, तो इन दोनों तारों को क्या करेंगे, इन दोनों तारों को लेकर आएंगे और देखिए इधर भी एक स्विच, जो स्विच लगी है ना उसका भी एक पॉइंट खाली है ना, और इधर भी स्विच का एक पॉइंट खाली है। तो इन दोनों तारों को लेकर आएंगे, एक जो अपना जो बल्ब का दो तार रहेंगे ना, एक को लेकर आएंगे और स्विच के निचले पॉइंट, यानी नीचे जो स्विच लगी रहेगी उसके बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे, जो नीचे स्विच लगी रहेगी उसके बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। बल्ब के एक तार को लेकर आएंगे और नीचे स्विच के बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे और दूसरा जो तार बचेगा ना उसको लेकर जाएंगे और ऊपर वाले स्विच के बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। देखिए क्या किया, दो तार जो आए ना, एक को लेकर आए और बीच में जोड़ दिए और दूसरा तार जो बचा था उसको लेकर आए और ऊपर वाले जो स्विच लगी थी उसके बीच वाले पॉइंट में जोड़ दिए, ठीक है, और जोड़ देंगे ना। तो ये मान लीजिए किसी ने किसी अवस्था पर रहेगी, मान लीजिए कि किसी ने किसी अवस्था पर है ना, तो हम मान लेते हैं कि क्या है, ऊपर की अवस्था पे है, इस तरह से बीच वाला पॉइंट क्या है, ऊपर वाले से टच है दोनों साइड का। मान लेते हैं ना किसी ने किसी अवस्था पर रहेगी ना, तो ये क्या करेगा, बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच है, इसका भी ऊपर टच है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जाना प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ना चाह रहे हैं ना, तो इस पर सीढ़ी पर उजाला चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इस स्विच को जो ऊपर टच थी ना, इसको कुछ ना कुछ करेंगे, यानी इस स्विच को दबाएंगे ना, तो इसको हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। जब नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो नीचे क्या जा रहा है, फेस जा रहा है, तो जब नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो नीचे फेस जा रहा है, जब फेस जा रहा है तो ए वाला पॉइंट बीच वाले पॉइंट से टच होगा, जब बीच वाले पॉइंट से टच होगा तो ए बीच वाले पॉइंट में हमारा ये क्या है, बल्ब का एक वायर जुड़ा है ना, एक वायर जुड़ा है तो यहाँ पर क्या जाएगा, फेस जाएगा, यहाँ पर फेस जाएगा ना। देखिए यहाँ से जब बीच वाला पॉइंट जब नीचे वाले पॉइंट से टच होगा तो नीचे फेस जा रहा है, तो यहाँ से फेस जाएगा, और देख रहे हैं कि आगे जब जाएंगे तो ऊपर वाला पॉइंट
आगे जब ऊपर वाला स्विच क्या है, ऊपर वाले से बीच वाला पॉइंट ऊपर वाले से टच है ना, तो ऊपर वाले में क्या जा रहा है, न्यूट्रल जा रहा है। जब एक तरफ से फेस जाएगा और एक तरफ से न्यूट्रल जाएगा तो उपकरण क्या करेगा, जलने लगेगा। ठीक है, ये जलने लगेगा और ऊपर से हम स्विच को वाले पॉइंट को नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे। जब नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे तो देख रहे हैं कि यहां से फेस ही जा रहा है और इस पॉइंट से भी क्या जाएगा, फेस जाएगा। जब दोनों तरफ से फेस जाएगा तो ये नहीं जलेगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर वही प्रक्रिया करेंगे। अगर ऊपर से फिर आना है तो स्विच को ऊपर की तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीच वाला पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट से टच हो जाएगा तो फिर यहाँ से न्यूट्रल जाने लगेगा तो ये बल्ब जलने लगता है। तो हम चाहें तो नीचे से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और ऊपर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी एक ही बल्ब को हम दो जगह से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला नियम था। अब देखिए हमारा दूसरा नियम क्या है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। दूसरा नियम हमारा क्या है, देखिए यहाँ से न्यूट्रल और फेस जाएगा ना, न्यूट्रल के हम क्या करेंगे, अब तक तो हम क्या कर रहे थे, सीधा जोड़ रहे थे ना, अब तक तो हम दोनों स्विचों के ऊपर पॉइंट में जोड़ रहे थे। अब कुछ नहीं करेंगे, न्यूट्रल के वायर को लेकर जाएंगे बीच वाले में और बीच से क्या करेंगे, सीधे नीचे ला करके जोड़ देंगे। जो जो स्विच थी ना ऊपर वाली, जो स्विच लगी रहेगी उसके निचले पॉइंट में जोड़ देंगे उसी न्यूट्रल के वायर को। जहां तक हमें इसमें क्या कर रहे थे, सीधा जोड़े हैं ना, अब इसी के न्यूट्रल के वायर को हम लेकर जाएंगे और जो ऊपर वाली स्विच रहेगी उसके नीचे वाले पॉइंट में दे देंगे। ठीक है, और देखिए ये फेस है ना, फेस के वायर को लेकर जाएंगे और नीचे से जैसे हम सीधा जोड़ रहे थे, फेस के वायर को सीधा जोड़ रहे थे, अब क्या करेंगे ऊपर वाले में दे देंगे। फेस के वायर को लेकर जाएंगे और अपने स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। देखिए जो ऊपर स्विच लगी रहे ना उसके ऊपर वाले पॉइंट में देंगे, बस एक तार को नीचे कर देंगे और इस तार को ऊपर कर देंगे। यानी कि इधर सीधा जा था ना, सीधा जा रहा था ना, इसमें पहले नियम में देख रहे हैं कि सीधा जा रहा है, बस इसी वायर को हम दूसरे नियम में क्या करेंगे, न्यूट्रल के वायर को जो अगली स्विच लगी उसके नीचे वाले में जोड़ देंगे और फेस के वायर को जो स्विच लगी, जो फेस का वायर जो इसमें जुड़ा था ना, इसको जो ऊपर स्विच लगी रहेगी उसके ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। अब देखिए ये जोड़ दिए ना, तो ये हमारा जो बल्ब है ना इससे भी क्या कर रहा है, दो तार आ रहे हैं ना, तो दोनों तार को देखिए दोनों तारों को क्या करेंगे, एक को लेकर आएंगे और जो नीचे स्विच का एक पॉइंट खाली है ना बीच वाला, देखिए ये बीच वाला पॉइंट खाली है ना, इसमें हम क्या करेंगे ले जा करके जोड़ देंगे। देखिए हमने क्या किया, एक जो बीच में बल्ब लगा रहेगा उसके एक तार को लेकर आएंगे और बीच वाले में जोड़ देंगे और जो अगला तार रहेगा उसको बल्ब का जो दूसरा तार रहेगा उसको लेकर आएंगे और अपने स्विच के ऊपर वाले बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। देखिए फिर प्रक्रियाएं सब वही रहेंगी, ये स्विच किसी न किसी अवस्था में रहेगी। जब किसी न किसी अवस्था में रहेगी तो मान लेते हैं कि ये क्या है, ऊपर की अवस्था में है, ये ऊपर की अवस्था में है और ये नीचे की अवस्था में है। देखिए ये ऊपर की अवस्था में ना, ये बीच वाला पॉइंट ऊपर वाले से टच है और जो अगली स्विच है क्या है, ये बीच वाला पॉइंट नीचे वाले से टच है, तो इन दोनों में क्या जा रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ पर भी फेस जा रहा है, देखिए यहाँ से इस पर न्यूट्रल जा रहा है ना, तो ये न्यूट्रल नीचे वाले पॉइंट से टच होगा। जब ये बीच वाला पॉइंट ऊपर वाले से टच होगा तो नीचे क्या आएगा, न्यूट्रल आएगा। जब यहाँ न्यूट्रल आएगा तो इसमें न्यूट्रल जा रहा है। आगे आकर देखिए क्या है, जब ए वाला पॉइंट नीचे वाले से टच है, जब बीच वाला पॉइंट नीचे वाले से टच है तो यहाँ पर क्या जाएगा, न्यूट्रल ही जाएगा ना। दोनों में अगर न्यूट्रल जा रहा है तो ये बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से जाना स्टार्ट करेंगे ना, सीढ़ी पर जब चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो स्विच के साथ कुछ ना कुछ करेंगे, यानी स्विच को दबाएंगे ना। जब दबाएंगे ऊपर की अवस्था में रहते नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, जब नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो देखिए नीचे क्या जा रहा है, फेस जा रहा है। जब नीचे फेस जा रहा है तो बीच वाले पॉइंट में क्या जाएगा, फेस जाएगा। जब इसमें फेस जाएगा तो इधर क्या जाएगा, फेस मिलेगा इधर से, इस वाले पॉइंट से इस बल्ब में के एक पॉइंट में फेस जाएगा और ये आगे जाकर क्या होगा, जब इधर आगे जाएंगे आप तो इधर क्या, इसको क्या मिल रहा है, नीचे वाले ये बीच वाला पॉइंट नीचे वाले से टच है ना, तो नीचे वाला पॉइंट में क्या जा रहा है, न्यूट्रल जा रहा है। और इधर से जब फेस जाएगा, इधर से न्यूट्रल जाएगा तो क्या करेगा, ये बल्ब जलने लगेगा। देखिए ध्यान से देखेगा आपको समझ में आ जाएगा, जब ये नीचे वाला क्या पॉइंट, ये नीचे फेस जा रहा है ना, जब इधर फेस जा रहा है तो बीच वाले पॉइंट से टच होगा, जब बीच वाला पॉइंट इससे टच होगा तो यहाँ से फेस जाएगा और जो आगे आएंगे तो इस वाला पॉइंट, देखिए ये वाला तार किसमें किसका आया है, न्यूट्रल का आया ना, तो ये वाला पॉइंट किससे टच है, न्यूट्रल टच है, तो यहाँ से क्या जाएगा, इधर से फेस जाएगा, इधर से न्यूट्रल जाएगा, तो ये बल्ब जलने लगेगा। अगर आगे जाकर के छत पे जाने के बाद हमें इस बल्ब को बंद करना है ऊपर से ये, तो हम क्या करेंगे, इस स्विच को ऊपर की तरफ प्रेस कर देंगे। जब ऊपर की तरफ प्रेस कर देंगे देख रहे हैं कि इधर से भी क्या जाएगा, फेस जाएगा और इधर से भी फेस जाएगा, क्योंकि ये वाला फेस ऊपर वाले पॉइंट से फेस में टच है ना, तो इधर से भी फेस जाएगा और इधर से भी फेस जाएगा, दोनों तरफ से फेस जाएगा, तो ये बल्ब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना आसान है सीढ़ी का करेक्शन करना, ये हमारा दूसरा नियम था। अब देख रहे हैं कि हमारा तीसरा नियम क्या है,
अगर आप इस दो नियम को अच्छे से समझ लिए तो आप दो नियम से ही सीढ़ी का कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन देखिए हमारा तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम हमारा है ना कि हमारा जो न्यूट्रल रहेगा ना तो न्यूट्रल के वायर को क्या करेंगे डायरेक्ट, ये हमारा बल्ब है ना तो बल्ब में न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए, तो हम न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट करेंगे एक बल्ब के एक पॉइंट में जोड़ देंगे। देखिए न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट लेकर गए बल्ब के एक पॉइंट में जोड़ दिया, अब क्या करेंगे फेस के वायर को। देखिए यहाँ पर न्यूट्रल यानी खत्म, अब तक तो हम न्यूट्रल क्या कर रहे थे स्विचों में दे रहे थे ना, अब इसमें स्विच में नहीं देंगे, न्यूट्रल के वायर को लेकर जाएंगे और डायरेक्ट बल्ब में जोड़ देंगे। अब फेस के वायर, देखिए हमारा फेस वायर ना, देखिए इस फेस के वायर को जो हमने नीचे वाली जो स्विच लगी रहेगी ना उसके बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। देखिए ये बीच वाले में जोड़ दिए ना, अब क्या करेंगे बीच वाले में जोड़ देंगे ना तभी भी इन दोनों स्विचों का सब पॉइंट खाली है ना, देखिए ऊपर भी खाली है नीचे भी खाली है, इसको कुछ नहीं करेंगे एक तार लेंगे और नीचे ऊपर जोड़ देंगे, नीचे वाले स्विच से लेकर जाएंगे और ऊपर वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देंगे, ठीक है। और जो निचला पॉइंट अभी खाली है ना बीच में हमने फेस दिया है ऊपर से एक तार ले जाकर जोड़ दिए, और क्या करेंगे यहाँ से भी क्या करेंगे फेस के एक तार लेंगे और क्या करेंगे ले जा करके ऊपर वाले स्विच के बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। देखिए क्या क्या यहाँ के नीचे से एक तार लेकर गए और स्विच के बीच वाले पॉइंट में जोड़ दिया, अभी देखिए इस ऊपर वाले स्विच का एक पॉइंट खाली है कि नहीं, खाली है ना, अब क्या करेंगे ऊपर जो हमारा बल्ब लगा होगा ना उससे अभी तो हमने एक पॉइंट में न्यूट्रल दिया है तो इसको हम क्या करेंगे ला करके यहाँ जोड़ देंगे, जब बीच वाले में जोड़ देंगे तो यहाँ से फेस मिलेगा और यहाँ से क्या मिल रहा है न्यूट्रल मिल रहा है, और जैसे हम क्या करेंगे यहाँ से स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, यानी स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे ना, जब स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाले से टच होगा। देखिए यहाँ से जब क्या करेंगे नीचे की तरफ दबाएंगे ना तो यहाँ से बीच में फेस आ रहा है ना तो ये फेस नीचे की तरफ आएगा, जब नीचे की तरफ फेस यहाँ से आ रहा है तो यही फेस तो आगे जा रहा है ना, जब ये फेस अगले ऊपर वाले स्विच में जाएगा तो हम क्या करेंगे कि ये स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, जब नीचे की तरफ प्रेस यानी नीचे ऊपर किसी अवस्था में रहेगी, ये स्विच नीचे और ऊपर किसी अवस्था में रहेगी तो इसमें क्या जाएगा ये नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो यहाँ से फेस मिल रहा है, जब यहाँ से फेस मिलेगा और इधर से डायरेक्ट न्यूट्रल जा ही रहा है तो ये बल्ब क्या करेगा जलने लगेगा ना, अगर इसको बंद करना है, अगर आगे सीढ़ी पर जाना है कुछ काम करने के लिए तो इस बल्ब को क्या करना है बंद करना पड़ेगा ना, जब बंद करना पड़ेगा तो इसी स्विच को क्या करेंगे ऊपर की तरफ प्रेस कर देंगे, जब ऊपर की तरफ प्रेस कर देंगे तो ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा ऊपर तो ये बीच वाला पॉइंट नीचे से टच है ना, जब नीचे से टच है तो क्या करेगा ये सप्लाई नीचे जाएगी और जब हम इसको ऊपर की तरफ प्रेस कर देंगे तो ये वाला पॉइंट बीच वाला पॉइंट नीचे से छोड़ देगा तो ये क्या करेगा ऊपर की तरफ सप्लाई जाने लगेगी, जब ऊपर की तरफ जाएगी तो इसमें कोई सप्लाई नहीं आ रही है, जब सप्लाई नहीं आएगी तो सिर्फ क्या करेगा ये बंद हो जाएगा। ये हमारा तीसरा नियम था, अब देखिए हमारा चौथा नियम क्या है, चौथा नियम में कुछ भी नहीं है, बस वही काम करना है, न्यूट्रल के वायर को क्या करेंगे डायरेक्ट स्विच बल्ब के एक पॉइंट में जोड़ देंगे, न्यूट्रल के वायर को जैसे हमने तीसरे नियम में अपने किया था न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट बल्ब में दे दिया था उसी प्रकार से क्या करेंगे न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट एक पॉइंट बल्ब के एक पॉइंट में जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे फेस के वायर को, देखिए हमारा फेस है ना, फेस को सिर्फ वही जो पहली प्रक्रिया थे उसी तरह से क्या करेंगे बीच में ले जा करके जोड़ देंगे, इस स्विच के बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे, बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे इस पहले नियम में हम क्या करते थे इस फेस को क्या करते सीधा सीधा जोड़ते थे ना, जो एक तार था इसमें एक अलग से तार लिए थे तो इसको हम क्या करते थे सीधा एक पॉइंट में जोड़ देते थे, अब क्या करेंगे इसी तार को नीचे और ऊपर में जोड़ देंगे, देखिए कुछ नहीं करेंगे जो ऊपर स्विच लगी रहेगी ना तो पहले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से जो ऊपर स्विच लगी रहेगी उसके निचले वाले पॉइंट में जोड़ देंगे, और नीचे वाले पॉइंट से जब जो पहली स्विच नीचे की तरफ जो स्विच रहेगी उसके नीचे वाले पॉइंट से लेकर जाएंगे और ऊपर वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, जो पहला तीसरा नियम था ना उसी के हमने क्या किया इस तार को सीधा सीधा जोड़ा है और इसमें कुछ नहीं करेंगे इसी तार को नीचे और ऊपर जोड़ देंगे। अब देखिए जब इसको नीचे ऊपर जोड़ देंगे ना तो हमारा बल्ब बने बल्ब का एक तार बच रहा है, अभी एक में तो हमने न्यूट्रल दे दिया है, अभी एक तार बचेगा ना तो इसको क्या करेंगे जो स्विच लगी रहेगी उसका एक पॉइंट अभी खाली है, देखिए नीचे वाली स्विच तो भर गई है ऊपर का अभी एक बीच वाला पॉइंट खाली है ना तो इसी में लेकर क्या करेंगे इसी में लेकर आएंगे और बीच वाले में जोड़ देंगे। देखिए इसी वाले बीच में लेकर आए और बीच में एक जो सीढ़ी पर एक तार मतलब बल्ब लगा था ना तो एक में न्यूट्रल दे दिया और एक में क्या करेंगे एक तार अभी बचेगा ना तो इसमें लेकर आएंगे और जो अपने ऊपर स्विच का जो पॉइंट खाली रहेगा उसके बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। जब बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे तो जैसे इस तरह से काम कर रहा था ना उसी तरह से काम करेगा, जब ये नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा सप्लाई नीचे से ऊपर की तरफ नीचे से
क्या करेगा, जब बीच वाला पॉइंट नीचे से टच होगा तो जो हमने ये तार जोड़ा है सप्लाई किधर जाएगी, ऊपर के ऊपर ऊपर वाले पॉइंट में जाएगी ना, यानी कि जो ऊपर स्विच लगी जाएगी उसके ऊपर वाले पॉइंट में जाएगी। जब इस स्विच को ऊपर टच करेंगे यानी नीचे से ऊपर की तरफ दबाएंगे तो ये सप्लाई क्या करेगा, इधर से आउट करने लगेगा। जब इधर से सप्लाई आउट करने लगेगा तो इससे फेस जा रहा है और इधर न्यूट्रल डायरेक्ट जा रहा है। जब ऊपर से फेस मिलेगा न्यूट्रल डायरेक्ट जा रहा है तो ये बल्ब क्या करेगा, जलने लगेगा। और हमें फिर इसी इसको बंद करना है, बल्ब को बंद करना है, कुछ नहीं छत पे जाना है अपना कुछ काम करना है तो इसको बंद करना पड़ेगा ना, फालतू का क्या जलेगा। फिर नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे, जब नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे इसको, जब नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे तो देखिए ये फेस, जब नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे तो ऊपर ये वाला जो फेस का वायर है ना, ये जो फेस का ये वायर है बीच वाले पॉइंट से टच है तो ये स्विच क्या है, नीचे की अवस्था में है ना, देखिए नीचे की अवस्था में ना, तो ऊपर वाला पॉइंट छोड़ देगा। जब ऊपर वाला पॉइंट छोड़ देगा तो यहाँ से इस तार में क्या जाएगा, कोई फेस नहीं जाएगा, यहाँ से कोई सप्लाई जाएगी, देखिए यहाँ से सप्लाई नहीं जाएगी ना। जब ये सप्लाई नहीं जाएगी तो जब नीचे की तरफ करेंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर अपना काम उम करके अगर वापस आना है, काम उम करने के बाद अगर हमें फिर वापस आना है तो सीढ़ी पर उजाला चाहिए ना, अगर सीढ़ी पर उजाला चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर इस स्विच को ऊपर की तरफ प्रेस कर देंगे। जब ऊपर की तरफ प्रेस कर देंगे तो स्विच नीचे की तरफ है, जब नीचे की तरफ है तो यहाँ से क्या, जब नीचे की तरफ है तो इस वाले पॉइंट में फेस जा रहा है, जब इसमें फेस जाएगा तो इधर से न्यूटन मिल रहा है तो बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं और इस बल्ब को क्या करेंगे, बंद करना है। अगर इस बल्ब को नीचे की तरफ नीचे से भी आकर इस बल्ब को बंद करना है तो बीच वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, यानी स्विच को कुछ ना कुछ करेंगे ना, तो इसको ऊपर की तरफ कर देंगे। जब ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये बीच वाला पॉइंट ऊपर वाले सप्लाई से टच होगा, देखिए ये बीच वाला पॉइंट जो होगा ना ये ऊपर वाले पॉइंट से टच होगा। जब ऊपर वाले पॉइंट से टच होगा तो ऊपर वाला पॉइंट क्या करेगा, नीचे यहाँ सप्लाई आएगी, यहाँ से जो तार जुड़े इसमें सप्लाई नीचे आएगी ना, तो आगे देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट ऊपर से टच है, जब ऊपर से टच है इसमें कोई सप्लाई नहीं जा रही तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा चौथा नियम था। अब देखिए ये हमारा पांचवा और लास्ट नियम है, और ये अच्छा भी होता है और इसमें कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी पड़ती है, ठीक है। हमारा जो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल और फेस है ना, इसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रल और फेस को इधर से जो हमारा न्यूट्रल जाएगा ना इसको डायरेक्ट स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में दे देंगे, और जो हमारा ये फेस रहेगा ना, देखिए ये हमारा जो फेस है ना, फेस को हम लेकर जाएंगे और स्विच के निचले वाले पॉइंट में दे देंगे। देखिए ये स्विच में दो पॉइंट में हमने क्या दिया, न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इधर से भी वही काम करेंगे, इधर से भी न्यूट्रल आएगा ना तो न्यूट्रल को लेकर जाएंगे और ऊपर वाले स्विच के ऊपर कोई न्यूट्रल रहेगा तो उसको क्या करेंगे, बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। और फेस के वायर को देखिए, फेस के वायर है ना, फेस के वायर को क्या करेंगे, ऊपर वाले जो स्विच लगी रही उसके बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे, बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे ना। अब क्या करेंगे, बल्ब से, ये बल्ब से हमारे दो तार आ रहे हैं ना, तो एक तार को हम लेकर आएंगे और स्विच के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ देंगे, और एक तार को लेकर जाएंगे और जो स्विच का जो ऊपर वाली स्विच रहेगी उसके बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे, बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे ना। जब हम इससे इस तरह से अगर इस नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये स्विच दोनों ना दोनों किसी न किसी अवस्था में रहेगी ना, जब किसी न किसी अवस्था में रहेगी तो कहीं ना कहीं से इसको न्यूट्रल और फेस मिल ही जाएगा, किसी न किसी अवस्था में रहेगी तो यहाँ से न्यूट्रल और फेस मिल जाएगा। अगर एक तरफ से न्यूट्रल मिल रहा है और इधर से फेस मिल रहा है तो ये बल्ब क्या करेगा, जलने लगेगा। किसी न किसी अवस्था में रहेगी तो न्यूट्रल और फेस इसको मिल ही जाएगा। तो देखिए ये वायरिंग जो हमारी पांचवी वायरिंग है ना, इसमें क्या होता है कि तार की थोड़ी सी बचत हो जाती है, लेकिन तार की थोड़ी बचत हो जाती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी असावधानी ये होती है कि अगर न्यूट्रल और जो अपने न्यूट्रल और फेस दोनों तरफ से दिया है ना, इसमें देखिए जो न्यूट्रल और फेस है अब दोनों तरफ से दिया है ना, तो ये न्यूट्रल और फेस दोनों अलग अलग खंभे के नहीं होने चाहिए, यानी कि जिस खंभे से हम लेकर आए हैं ना वही न्यूट्रल फेस ऊपर भी होना चाहिए और वही न्यूट्रल फेस नीचे भी होना चाहिए, एक ही खम्भे से आना चाहिए। ये ना कि एक ऊपर वाली स्विच को हम क्या के अलग वाले खम्भे से ला करके न्यूट्रल फेस दे दिए और जो हमारा जो नीचे वाली स्विच है इसको अलग खम्भे से लेकर आ गए। अगर ऐसा आप करेंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, यानी कि जल जाएगा, ये काम नहीं करेगा। बस इसमें ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि न्यूट्रल और फेस दोनों जो हों एक ही पोल से होने चाहिए। इसमें आप तार की तो बचत कर लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा यही सावधानी होनी चाहिए कि न्यूट्रल और फेस का जो वायर रहेगी, जो सप्लाई रहेगी ना, जो न्यूट्रल और फेस की सप्लाई रहेगी वो दोनों एक ही पोल से आना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप सीढ़ी का कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।